परशुराम सेवा दल मुरादनगर ने विनोद कुमार मिश्रा की अगुवाई में पुलवामा में शहीद हुए सैनिकों के लिए कैंडल मार्च निकाला, जो मोहल्ला रावली रोड चुंगी नंबर 3 से शुरू होकर मैन बाजार सरना वाली गली, मोहल्ला महाजनान लोहारों वाली गली होते हुए मोहल्ला ब्राह्मणान में समाप्त हुआ। मुख्य रूप से राजकुमार रामनिवास संतो, अशोक सोनी, विनय वर्मा, आकाश मिश्रा, उषा वर्मा, कृष्णा शर्मा आदि लोग मौजूद रहे। केटी लाइव न्यूज के लिए हसन खान के साथ गुलफाम अली की रिपोर्ट। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ परशुराम सेवा दल का। आज पूरे राष्ट्र जो है, कल पुलवामा में जो शहीद हुए हैं हमारे जवान, उनके शोक में आज ये कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। पूरा भारत आज शोक में डूबा हुआ है। आतंकवादियों द्वारा जो ये नापाक हरकत की गई है, हमारे जवानों को धोखे से ढंग से मारा गया है, इसका जवाब भारत सरकार को लेना है। आज पूरा भारत सरकार के साथ है। इनके जो आका हैं उनको जवाब देना है। आतंकवादियों को नस्तनाबूद करना है। शांतिपूर्ण ढंग से जो हम जो आज कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, हम अपना दुख प्रकट कर रहे हैं, अपना शोक प्रकट कर रहे हैं। पूरा मुरादनगर क्या पूरा भारत आज शोक में डूबा हुआ है। अधिक शब्द हमारे पास नहीं है, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान जो नापाक हरकत कर रहा है, इसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाना चाहिए। आतंकवाद को पूर्ण रूप से समाप्त किया जाना चाहिए। ऐसी मांग हम भारत सरकार से करते हैं। शहीदों के परिवार को कुछ शहीदों के परिवार के प्रति हमारी संवेदना व्यक्त करते हैं। इस दुख की घड़ी में पूरा भारत आज शहीद परिवार के साथ में है, और भारत सरकार से मांग करते हैं कि एक एक करोड़ रुपया उनके परिवार को दिया जाए और एक एक व्यक्ति को जो है सरकारी नौकरी दी जाए। ऐसी हम मांग भारत सरकार से करते हैं।